अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों हुसैन यूट्यूब चैनल में आप सभी को करता हूँ वेलकम। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन लाया हूँ जिसमें आप जो है ब्लैक स्क्रीन वीडियो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों कुछ दोस्तों होते हैं कि भाई ब्लैक स्क्रीन वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको फुल तरीके से फुल डिटेल से बताऊंगा एक ऐसी एप्लीकेशन जिसे आप बहुत ही आसानी से अपनी जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है वो आसानी से बना सकते हैं। स्टेटस बना सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप स्टेटस भी बना सकते हैं दोस्तों, फेसबुक स्टेटस भी बना सकते हैं और टिकटॉक के लिए भी दोस्तों बहुत सारी अच्छी वीडियो बना सकते हैं आप। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही वायरल जा रही है दोस्तों, तो मैं ये एप्लीकेशन सिखाऊंगा आपको कि आप किस तरीके से जो है इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों उसके लिए चलेंगे मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना क्योंकि कुछ दोस्त यार लाइक भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो उसको लाइक भी किया करो यार। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर पे करेंगे क्लिक। जैसे ही प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च बार में आप लिखेंगे मोशन निंजा। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो एप्लीकेशन का नाम देख लें आप। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सर्चिंग करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल दिखाएगी। मेरे पास अभी अवेलेबल है इसलिए जो है ना मेरे पास ओपन दिखा रही है, तो आप यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये बेहतरीन एक एप्लीकेशन है जिसमें आप वीडियो अच्छी तरीके से जो है एडिटिंग कर सकते हैं। ब्लैक स्क्रीन वीडियो हो चाहे कोई भी, आप जो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको इसी तरीके से जो इंटरफेस नज़र आएगा दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी न्यू प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों अपनी मर्ज़ी का रिश्यू चुन सकते हैं। यहाँ पे आप 9:16 टिकटॉक वाली साइज़ भी है, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी है या यूट्यूब की साइज़ भी है, तो आप यहाँ से जो रिश्यू है वो आप अपना सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे करेक्ट प्रोजेक्ट पे आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां से आप अपनी जो है गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो फ़ोटो है या फिर कुछ वीडियो वगैरह हैं तो आप उसको भी अच्छी तरीके से लेकर जो है अपने एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से मैं कोई छोटी सी वीडियो लेता हूं जिसे मैं आपको थोड़ी एडिटिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वीडियो पर किया क्लिक। क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आप एड पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारे जाके ऑप्शन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये यूट्यूब की वीडियो है इसलिए इसकी जो स्क्रीन है बहुत ही छोटी आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए खाली इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज़ जो है मैं इसका डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ छोटा सा ऑप्शन नज़र आएगा इफ़ेक्ट का, यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इफ़ेक्ट आ चुके हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो मुझे लगाना है मैं इसको थोड़ा रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेमिक। तो दोस्तों यहाँ डायनेमिक में भी बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट पड़े हुए हैं जिसे आप अपनी वीडियो का जो है कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। दोस्तों मुझे जो सिलेक्ट करना है वो है हेड, तो दोस्तों मैं इस पर करूँगा जैसे ही क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डन। दोस्तों जैसे ही मैंने इसको डन किया तो यहाँ पर अब इसी इफ़ेक्ट में मैं करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ा साइड से जो है अपने फिंगर की मदद से इसको पूरे वीडियो पर जो है अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको इस वीडियो का मैं जो है कलर दिखाता हूं। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आप किससे कौन सी भी जो है आपके पास, मतलब आप जो भी स्टेटस वगैरह बनाना चाहते हैं एप्लीकेशन में बना सकते हैं। तो दोस्तों यहां से अब हम इसको करेंगे सेव। सेव यहाँ से करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का फाइल नज़र आ रहा है ऊपर, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट का नज़र आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको करें क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं ये सेव होने का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो
तो दोस्तों ये जाके हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी तो आराम दोस्तों से। ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। दोस्तों अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमा देना। दोस्तों ऐसी मैं बहुत सारी एप्लीकेशनों की वीडियो लाता ही रहता हूँ, जिसे बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए भी हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वीडियो को नीचे मेंशन किया हुआ है, आप उसको भी जाके देख लेना, और वो भी बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जो आपके बहुत ही काम आ सकती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।